आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल की टेस्टिंग के बारे में कि जो मोबाइल की जो टेस्टिंग होती है एंड्रॉयड कीपैड चाइना कोई भी मोबाइल हो उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं या कितने प्रकार की होती है। तो जो मोबाइल की जो टेस्टिंग होती है वो दो प्रकार से की जाती है, नंबर एक कोल्ड टेस्टिंग, नंबर टू हॉट टेस्टिंग। कोई भी मोबाइल आपका हो कैसा भी मोबाइल हो ये दो ही टेस्टिंग, दो ही प्रकार की टेस्टिंग है मोबाइल के अंदर की जाती है, नंबर एक कोल्ड और दूसरे नंबर हॉट टेस्टिंग। अब कोल्ड टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोल्ड टेस्टिंग में मल्टीमीटर को ओम रेंज पे, ठीक है, डायोड रेंज पे या फिर एचएफई मोड पे चेक करते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कंपोनेंट जो शॉर्ट होते हैं उनको टेस्ट करना, उनकी वैल्यू कितनी आ रही है, कोई भी कंपोनेंट हो जाए वो उसको उसकी शॉर्टिंग चेक करना, पीसीबी में कंपोनेंट की शॉर्टिंग, ये सब कह आते हैं जो हमारे वो है कोल्ड टेस्टिंग में। यानी कि कोई भी कंपोनेंट उसकी वैल्यू, उसकी शॉर्टिंग, पीसीबी के अंदर शॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड मोबाइल, कीपैड चाइना, आईफोन कोई मोबाइल हो ये कोल्ड टेस्टिंग कहलाती है। अब आती है हॉट टेस्टिंग की बात, तो हॉट टेस्टिंग जो होती है, हॉट टेस्टिंग में क्या होता है कि या तो मोबाइल के अंदर पावर लगा हो, पावर यानी कि चार्जर लगा हो, या फिर उसके अंदर बैटरी लगी हुई, यानी कि अगर हम चार्जर लगा के इसे आपका मोबाइल मान लीजिए चार्ज नहीं हो रहा है, तो अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो उसकी कंडीशन में क्या करेंगे, हम चार्जर लगाएंगे, बैटरी उसकी रिमूव कर देंगे, फिर क्या करेंगे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे, सेट करने के बाद क्या करेंगे हम उसको उस पर वोल्टेज चेक करेंगे चार्जिंग कैंटर पे कितनी सप्लाई आ रही है, फिर उसके अंदर बैटरी कैंटर पे चेक करेंगे या फिर हम उसके बीच में लगे कंपोनेंट फ्यूज कॉइल कैपेसिटर या फिर चार्जिंग आईसी पे वोल्टेज चेक करते हैं, आर बायस पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज जो टेस्टिंग होती है वोल्टेज, ये कहलाती है आपकी हॉट टेस्टिंग, ओके। तो अब हम कोई भी मतलब जैसे ऑन ऑफ की पे हम चेक करेंगे वोल्टेज की, ऑन जो पावर ऑन ऑफ स्विच है या की है उसको ऑन करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो अगर मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं मोबाइल के अंदर पावर चेक कर रहे हैं वो कहलाता है हमारी हॉट टेस्टिंग, ओके, क्लियर हो गया। कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों में फर्क आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि कोल्ड टेस्टिंग से हमें क्या फायदा और हॉट टेस्टिंग से क्या फायदा। तो कोल्ड टेस्टिंग हम कब करते हैं, जब हमारा मोबाइल ऑन नहीं होता है, ठीक है, कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तब हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, या कोई कंपोनेंट खराब है, लीक है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं उसकी कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब अगर यानी कि चार्ज नहीं हो रहा, कंपोनेंट तो हमारे सही है, शॉर्टिंग भी किसी भी प्रकार की मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा कि उसमें कोई कंपोनेंट शॉर्ट है, ठीक है, फिर भी पावर की उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे पावर लगाएंगे उसके अंदर, बैटरी से सेट कराएंगे, पावर डीसी पावर सप्लाई से उसको पावर देंगे या फिर चार्जर से उसको पावर देंगे। तो जब भी पावर के अंदर की कोई टेस्टिंग करते हैं किसी पे माइक पे वोल्टेज या कहीं पे मिली वोल्ट आता है, किसी आईसी के पास में पावर आईसी पे वोल्टेज कितना जाता है, किन पे इतना इनपुट है, कभी कितना आउटपुट है, ये सारी प्रक्रिया जो कहलाती है वो हॉट टेस्टिंग होती है। आपने समझ लिया कि अगर चार्जिंग आईसी खराब है तो चार्जिंग आईसी वोल्टेज चेक करना, बैटरी एंटर पे सप्लाई नहीं आ रही तो बैटरी एंटर पे, पावर आईसी के पास में कितना मिली वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एक कंपोनेंट स्पीकर के लिए कितना वोल्टेज जाता है, माइक के लिए कितना, रिंगर के लिए कितना वोल्टेज जाता है, या हमारे कैमरा या फ्लैश लाइट पे कितना वोल्टेज जाता है, फ्लैश आईसी पे कितना मिली वोल्ट जाता है, ये सारी टेस्टिंग कहलाती है हॉट टेस्टिंग और आप आसानी से इसको कर सकते हो, ओके। तो अब जो कोल्ड टेस्टिंग हमने देख ली कंपोनेंटों में होता है, ठीक, कोई कंपोनेंट खराब है शॉर्ट है, हॉट टेस्टिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि अगर जैसे चार्जिंग कैंटर के जो पॉइंट है प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और ये माइनस हो जाएगा जीएनडी पूरी पीसीबी में, इसके बाद प्लस सप्लाई जैसे चार्जिंग पे चलेगी तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, एक फ्यूज पे, तो फ्यूज पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कितना आएगा 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट जो चार्जर से वोल्टेज आता है, हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, इसके बाद सेम वो वोल्टेज यहाँ पे आएगा 5 वोल्ट, तो यहाँ पर हमने चेक किया, इसके बाद लगी होगी कॉइल, कॉइल को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से यहाँ पर भी वोल्टेज आना चाहिए, इसके बाद क्या लगी होती है एक चार्जिंग आईसी जो कि एक जनरेटर डायोड के रूप में लगी होती है ये, और ये सरा इसका जीएनडी होता है माइनस, तो यहाँ पर भी उतना वोल्टेज। अब इसके बाद वोल्टेज यहाँ जनरेटर डायोड जो होता है वो क्या करता है वोल्टेज को फिक्स कर देता है, तो इसके बाद वोल्टेज कहाँ पर जाएगा कैपेसिटर पे, तो ये सरा इसका प्लस और ये सरा इसका माइनस, और यहीं से इस कैपेसिटर के प्लस सरे से ज्यादा सप्लाई कहां पे आर बायस पे जो कि एक रजिस्टर होता है, इसके बाद बैटरी कनेक्टर पे 3 पिन प्लस बीएसआई और माइनस, तो यहां से यहां तक मान लो हमने कोई भी वोल्टेज यहां पे एक जीएनडी पे लगाई रेड प्रोब, यहां पे वोल्टेज चेक किया, यहां पे वोल्टेज चेक किया, यहां पे वोल्टेज, यहां पे वोल्टेज, यहां पे वोल्टेज और यहां पे वोल्टेज, ये जो प्रक्रिया वोल्टेज जो टेस्टिंग की होगी ये कहलाती है हॉल टेस्टिंग। तो यानी कि अब मोबाइल के अंदर जब भी हम कोई पावर से बैटरी लगा के अगर हम उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, वोल्टेज चेक करेंगे वोल्टेज रिलेटेड, वो कहलाती है हमारी हॉल टेस्टिंग, ओके।